हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिमाचल विंग्स में। पारंपरिक प्रतिमानों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की लोक कला के रूप में लोगों का प्यार, खुशियां, दुख और आशाएं दर्शित होती हैं। इन सभी भावनाओं को व्यक्त करने में हिमाचल के लोक रंगमंच सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाता रहा है। ये लोक कला के रूप में ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। आज हम लोक जगत से जुड़ी एक फेमस लोक गायिका की बात करेंगे, गंभरी देवी, हिमाचल की लोकप्रिय लोक गायिका, जिनका जन्म 1922 में बिलासपुर जिले के बंदला गांव में हुआ था। इन्होंने छोटी सी मात्र 8 साल की उम्र से लोक गायन शुरू कर दिया था। उस वक्त ये सब करना इतना आसान नहीं था। लड़कियों का इस प्रकार नाच गाना करना अच्छा नहीं माना जाता था, पर उनको बंदिशों में बंधना गवारा नहीं हुआ और गंभरी देवी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोक गायन नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि समाज धीरे धीरे बंदिशों को भूल गया और उन्हें विभिन्न इवेंट्स में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। वह अंततः इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनके प्रदर्शन के बिना कोई समारोह पूरा नहीं माना जाता था। 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर इन्हें नृत्य और नाटक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी द्वारा टैगोर एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट से पुरस्कार मिला। पहाड़ी गीतों को गंभरी जी ने उस टाइम स्वर दिया था जब यह पहाड़ी प्रदेश लोक गायन की दृष्टि से लगभग अनजान था। 8 जनवरी 2013 में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हालांकि वे अब हम आपके हम सबके साथ नहीं हैं, लेकिन हिमाचल की कला और संस्कृति के प्रति उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I'm not afraid.